नीति आयोग की बैठक पर इंडिया गठबंधन में दरार, कल होने वाली बैठक में शामिल होंगी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। आज दिल्ली पहुंचकर शाम 5 बजे अपने सांसदों के साथ बैठक करेंगे। ममता बनर्जी के मुताबिक हेमंत सोरेन भी नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। तमिलनाडु और कर्नाटक, पंजाब के सीएम नीति आयोग की बैठक से दूर रह सकते हैं। यूपी के सीएम योगी आज शाम पहुंचेंगे दिल्ली, कल नीति आयोग की बैठक में लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी, अमित शाह के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी, उनसे भी मुलाकात हो सकती है। सीएम योगी को लेकर के आप सांसद संजय सिंह का दावा, कहा यूपी बीजेपी में जल्द कुछ होने वाला है। सीएम योगी को हटाने की बनाई जा रही है प्लानिंग। लखनऊ में सीएम योगी ने लखनऊ मंडल के सांसदों और विधायकों से की मुलाकात। सीएम आवास पर सांसदों और विधायकों की सीएम योगी से शिष्टाचार भेंट। आज दिल्ली दौरे पर आएंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, कई केंद्रीय मंत्रियों से कर सकते हैं मुलाकात। कल नीति आयोग की बैठक में होंगे शामिल। आज बिहार मानसून सत्र का आखिरी दिन, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर महागठबंधन के विधायकों ने किया प्रदर्शन। बिहार विधानसभा परिषद की आचार समिति का बड़ा फैसला, आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता खत्म की। राबड़ी देवी सहित महागठबंधन के विधायक और विधान पार्षदों ने बिहार विधानमंडल परिसर में काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की विधान परिषद से सदस्यता खत्म करने का विरोध कर रहे थे ये। पटना में शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों ने वेतन मांग को लेकर सचिवालय गेट पर प्रदर्शन किया। हालात को बेकाबू होता देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। 2 दिन पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने भांजी थी लाठियां। कर्नाटक सरकार के खिलाफ कर्नाटक के बीजेपी सांसदों का हल्ला बोल, संसद परिसर में बीजेपी सांसदों ने प्रदर्शन किया, कर्नाटक सरकार पर घोटाले के गंभीर आरोप लगाए। मानहानि केस में सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी, 12 अगस्त को अगली सुनवाई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप। आज देश मना रहा है करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्रास पहुंचकर 1999 की जंग के नायकों को श्रद्धांजलि दी। शिंकुनला सुरंग निर्माण कार्य का पीएम मोदी ने शिलान्यास किया। 15,800 फीट की ऊंचाई पर बनेगी सुरंग, सभी मौसम में लेह से कनेक्टिविटी आसान होगी। करगिल विजय दिवस पर बोले पीएम मोदी, कहा 25 साल पहले हमने केवल युद्ध नहीं जीता था बल्कि अपनी वीरता का परिचय दिया था, आगे भी दुश्मन को दिया जाएगा मुंहतोड़ जवाब। करगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी, जवानों के शौर्य को सलाम किया। अग्निवीर योजना पर बोले पीएम मोदी, कहा अग्निवीर से बढ़ेगी देश की ताकत, सरकार का लक्ष्य है सेना को युवा बनाना, हमारे लिए राजनीति नहीं देश की सुरक्षा सर्वोपरि। पीएम मोदी के अग्निपथ वाले बयान पर बोली तृणमूल कांग्रेस सांसद डोला सेन, कहा एक बार फिर जुमला दे रहे हैं पीएम। पीएम मोदी के अग्निवीर योजना वाले बयान पर बोले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, कहा अगर पीएम देश की सेना को बनाना चाहते हैं युवा तो भारत की राजनीति में भी युवाओं को दे मौका। करगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे होने पर लखनऊ के स्मृतिका वॉर मेमोरियल में कार्यक्रम, सीएम योगी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, शहीद दिवस पर शहीदों को याद किया गया। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा हमारी बिटिया भी अग्निवीर की तैयारी कर रही है, विपक्ष ऐसी राजनीति करके देश के युवाओं का मनोबल तोड़ रहा है। करगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे, उत्तराखंड में श्रद्धांजलि समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, शहीद वीर सपूतों को सीएम धामी ने श्रद्धांजलि दी। भोपाल में करगिल विजय दिवस पर कार्यक्रम आयोजित, सीएम मोहन यादव ने शौर्य स्मारक पर जाकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि, कहा वीर सपूतों की शहादत पर देश को गर्व। हरियाणा के पंचकुला में 25वीं करगिल विजय दिवस पर चंडी मंदिर मिलिट्री स्टेशन पर कार्यक्रम, हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। करगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे होने पर जम्मू में शहीदों को किया गया याद, स्कूली छात्र छात्राओं ने भी शहीद वीर सपूतों को श्रद्धांजलि। 1999 में आज के ही दिन भारतीय सेना के जवानों ने टाइगर हिल पर तिरंगा फहराकर पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। 3 मई से शुरू होकर 26 जुलाई तक चला था करगिल युद्ध।
सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने एलओसी से जुड़े इलाकों का किया दौरा, आतंक विरोधी अभियानों का जायजा लिया, आतंकवाद विरोधी अभियानों में शामिल बलों की तैयारियों की समीक्षा भी की। एमपी के खरगोन में पुलिया के पास पानी के तेज बहाव में एक छात्रा फंस गई, एक शख्स ने हौसला दिखाते हुए छात्रा को बचाया, चीतल नदी से छात्रा को सुरक्षित बाहर निकाला। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश से जलभराव, पूरा का पूरा शहर पानी में डूब गया, दुकानों में भरा बारिश का पानी, लोगों को आवाजाही में हो रही है दिक्कतें। गुजरात के डांग में जोरदार बारिश से उफान पर जीरा झरना, बारिश से जल स्तर बढ़ा, पर्यटकों के झरने के पास ना जाने की अपील की गई, निचले इलाकों में भी अलर्ट जारी। महाराष्ट्र के पुणे में भारी बारिश, रिहायशी इलाकों में भरा पानी, जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त, आज भी पुणे में बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड के यमुनोत्री धाम में यमुना नदी का रौद्र रूप, नदी के तेज बहाव में मंदिर परिसर में नुकसान की खबर, स्नान घाट गेट का एक हिस्सा पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त। रुद्रप्रयाग में मोरखंडा नदी पर बना अस्थायी पुल पानी के तेज बहाव में समा गया, मदमहेश्वर धाम से संपर्क टूट गया, धाम में फंसे कई श्रद्धालु। रुद्रप्रयाग में नदी का रौद्र रूप, महामदेश्वर धाम से लगभग 50 लोगों को रेस्क्यू किया गया, हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया, बचे हुए लोगों का रेस्क्यू जारी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पंचगंगा नदी में उफान, राधा नगरी बांध हो रहा ओवरफ्लो, बाढ़ का खतरा मंडराया, आसपास के गांव को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई। मुंबई और आसपास के इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है, मीठी नदी का जलस्तर बढ़ा, नदी के किनारे इलाकों में रहने वाले रिहायशी बस्तियों में पानी का खतरा बढ़ा। महाराष्ट्र में भारी बारिश का कहर, पुणे में डूब गया मोरया गोसावी गणपति मंदिर, कुदरती आफत का डरावना वीडियो सामने आया है, नगर निगम ने पावना नदी के किनारे रहने वालों को सतर्क किया। मुंबई में जोरदार बारिश से ठाणे के कई इलाकों में जलभराव, भारी बारिश से आम जनजीवन बेहाल, मोदक सागर झील पानी से ओवरफ्लो हुआ, आसपास के इलाके डूबे, लोगों को दिक्कत। महाराष्ट्र में पालघर, ठाणे, पुणे और सतारा में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने आज भी जारी किया ऑरेंज अलर्ट, रायगढ़ और रत्नागिरी में भारी बारिश की चेतावनी है, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। मुंबई के चेंबूर में मूसलाधार बारिश से सड़क पर भारी जलभराव, बारिश से इलाके में बिगड़े हालात, सड़क पर आया जलसैलाब। महाराष्ट्र के ठाणे, मुंबई और रायगढ़ में भारी बारिश आज भी जारी रहेगी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, रायगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए आज स्कूल कॉलेज बंद। मुंबई में भारी बारिश से ठाणे अहमदाबाद हाईवे तक पहुंच गया पानी, उल्हास नदी पर बना ब्रिज पूरी तरीके से डूबा, हाईवे पर पानी भरने से आवाजाही पर असर। महाराष्ट्र के भिवंडी में जोरदार बारिश से शहर के तमाम स्कूल बंद, कामवारी नदी का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में पानी भरा है, भिवंडी में बाढ़ आने की आशंका से लोग सहमे हुए हैं। मुंबई में भारी बारिश के चलते ठाणे और आसपास के इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त, ठाणे में आज सभी स्कूल कॉलेजेस बंद रखने के प्रशासन ने आदेश जारी किए। महाराष्ट्र के पुणे में भारी बारिश ने बरपाया कहर, भूस्खलन की चपेट में आए लवासा सिटी के 3 बंगलों में 2 लोगों के फंसे होने की आशंका है, मौके पर एनडीआरएफ की टीम। पुणे में बारिश से बिगड़े हालात, सिंह रोड के किनारे कई सोसाइटीज, घरों में घुसा पानी, कार दोपहिया वाहन पानी में डूबे, एकता नगर के इलाके में एनडीआरएफ और सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला। उत्तराखंड में भी भारी बारिश की आशंका, राजधानी देहरादून सहित कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी, कक्षा 1 से 12वीं तक सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी। यूपी के पीलीभीत में शारदा नदी में कटान से भयंकर तबाही, 3 दिन के भीतर 50 एकड़ से ज्यादा खेत नदी में समाए, फसलें बर्बाद। मध्य प्रदेश के कटनी में बाढ़ का रौद्र रूप दिखा है, भीषण बारिश से पुल बह गया, रेल ट्रैक पर पानी भर गया, सिप्ला नदी के तेज बहाव में मवेशी जो बह रहे थे उनको किसी तरह बड़ी मुश्किल से बचाया। एमपी के ज्यादातर जिलों में बारिश के आसार, मौसम विभाग ने एमपी के कई जिलों में बारिश होने की आशंका जताई, गुना शाजापुर में ऑरेंज अलर्ट और कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट को जारी किया गया। मध्य प्रदेश के कटनी में पिछले 48 घंटों से लगातार हुई झमाझम बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए, 40 से ज्यादा गांव प्रभावित है, उमरिया पान गांव में सरकारी भवन राहत शिविरों में तब्दील हो गए।
गुजरात में सूरत, भावनगर, अमरेली, मर्दना, द्वारका और वलसाड़ के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। जूनागढ़, जामनगर, राजकोट, अहमदाबाद में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। गुजरात के सूरत में बीते 3-4 दिन से लगातार हो रही है बारिश। पर्वत पटिया इलाके में सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा है। गुजरात के सूरत में सनिया हिमाद गांव में 8 फीट तक पानी भर गया। मंदिर परिसर भी तालाब में बदला। लोगों ने घर की छतों पर शरण ली। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बीते 4 दिन से लगातार हो रही बारिश से शिवनाथ नदी उफान पर है। बलौदाबाजार में भाटापोरा से बिलासपुर जाने वाली सड़क डूब गई है। पुल पर 3 से 4 फीट पानी भरा। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में शिवनाथ नदी पर पुल पानी में समा गया। पुल के दोनों ओर लोग कर रहे हैं पानी कम होने का इंतजार। पुलिस के जवान तैनात। उफनाते पुल को पार करने पर पाबंदी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। सभा मस्जिद क्षेत्र में पानी भर गया है। आसमानी आफत से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कुदरत के सितम के आगे बेबस नजर आ रहे हैं लोग। बिहार के तमाम जिलों में आज भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने भोजपुर, बक्सर, भभुआ, पटना, जहानाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया। राजस्थान में आज बारिश की संभावना के मद्देनजर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। श्रीगंगानगर, नागौर, बीकानेर, अजमेर, टोंक, जयपुर, उदयपुर, पाली और कोटा के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। समंदर में JSW मालवाहक जहाज रास्ता भटककर महाराष्ट्र के अलीबाग बीच पर जहाज में फंसे 14 कर्मचारियों को रेस्क्यू किया गया। हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू का काम जारी। हिमाचल प्रदेश के मनाली में प्राइवेट बस हादसे का शिकार हो गई। सड़क क्षतिग्रस्त होने से ब्यास नदी में गिरी यात्रियों से भरी यह बस। मौके पर राहत का बचाव का काम चल रहा है। कई लोगों के घायल होने की सूचना। हैदराबाद में सड़क किनारे खड़े लोगों की ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने पिटाई की। बेवजह ट्रैफिक कर्मियों पर पिटाई का आरोप लगा है। पिटाई की घटना कैमरे में कैद है। बिहार के सीतामढ़ी में GRP जवान ने एक व्यक्ति को बुरी तरह से पीटा। पिटाई से व्यक्ति की आंखें बाहर आ गई। आक्रोशित लोगों ने स्टेशन परिसर में जमकर तोड़फोड़ की। घायल व्यक्ति का इलाज अस्पताल में चल रहा है। यूपी में कांवड़ खंडित होने पर कांवड़ियों ने कार में तोड़फोड़ की। कार में बैठे शख्स ने भागकर जान बचाई। भारी पुलिस बल ने मामले को शांत कराया। रॉन्ग साइड से आ रही कार की टक्कर से खंडित हुई कांवड़। यूपी के मुरादाबाद में मुस्लिम संचालक 5 साल से चला रहे हिंदू नाम से दूध की दुकान। हिंदू युवा वाहिनी के नेताओं ने मुस्लिम दुकान पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। 2 दिन में दुकान का नाम बदलने की चेतावनी।